हटिए ना, हटिए आप, हटिए, अरे हटिए ना। बेगूसराय में एक उद्घाटन समारोह के दौरान मौजूद सीपीआई विधायक राम रतन सिंह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अभिवादन करना चाह रहे थे, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको वहां से हटा दिया। नीतीश कुमार बिहार सरकार के द्वारा 115 करोड़ की लागत से करवाए गए विकास कार्य का उद्घाटन करने पहुंचे थे। बिहार में बेगूसराय के समरिया गंगा धाम इलाके में शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक उद्घाटन समारोह में पहुंचे। इस मौके पर विपक्षी पार्टी सीपीआई के विधायक राम रतन सिंह भी वहां मौजूद थे। सीएम के सुरक्षा कर्मियों द्वारा राम रतन सिंह के साथ धक्का मुक्की करने का मामला सामने आया। आपको बता दें, उद्घाटन के दौरान सीएम के साथ खड़े लोगों में सीपीआई विधायक बिल्कुल आखिरी में खड़े हुए थे और सीएम का अभिवादन करना चाह रहे थे। इस दौरान सुरक्षा कर्मियों ने पहले उनको रोका, उसके बाद धक्का मुक्की करके वहां से हटा दिया। सीपीआई विधायक राम रतन सिंह बेगूसराय जिले की तेघरा विधानसभा से विधायक हैं। सिमरिया नाम की जिस जगह पर नीतीश कुमार उद्घाटन समारोह के लिए पहुंचे थे वो तेघरा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही आता है। अब सीएम बाबू अपने पद के रौब में अपने सिक्योरिटी से लोगों के साथ धक्का मुक्की करते दिखाई दिए। सत्ता के नशे में अक्सर नेता लोग ये भूल जाते हैं कि ये गाड़ियां और सुरक्षा उनके शान और शौकत के लिए नहीं, बल्कि उस पद पर बैठे व्यक्ति की सुरक्षा के लिए दी जाती है। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जनता के प्रतिनिधि हैं, उनके निजी इस्तेमाल के लिए नहीं। ऐसे में जनता जो उन्हें वहां पहुंचाती है उसके साथ बदसलूकी करने वाले लोग उस गद्दी और पद के बिल्कुल भी हकदार नहीं है। वो नेता को सीएम की सिक्योरिटी को इस तरह से धक्का नहीं देना चाहिए था। नीतीश कुमार को खुद ये निर्देश देने चाहिए कि लोगों से इज्जत और तरीके से पेश आए। खुद को वीआईपी समझकर दूसरों को अपमान करने का हक इस देश में किसी को भी नहीं है। ऐसा करने वालों को तुरंत अपनी गलती को सुधारते हुए उस नेता से माफी मांगनी चाहिए और सम्मानजनक तरीके से उनकी बात सुननी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।